नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में बवासीर का मुख्य कारण गलत खानपान, हमारा पेट का कॉन्स्टिपेशन और पेट के कई प्रकार की बीमारियों को बताया गया है। बवासीर के कारण गुदा में दर्द, जलन, खारिश, मल त्याग करने में दर्द वगैरह या फिर खून आना जैसे कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। इसका अगर सही टाइम से इलाज नहीं किया गया तो बवासीर एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनने को देखने को मिल जाता है। कई कई लोगों की सालों सालों तक ये बीमारी रहती है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाती है। वो यही कारण होते हैं उन लोगों के, क्योंकि वो सही टाइम से अपनी बीमारी को सही नहीं कर पाते हैं। बवासीर एक ऐसे रोग होता है दोस्तों, जिसमें आप किसी को बता भी नहीं सकते और खुद सहन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टैबलेट है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आयुर्वेदिक है, बिल्कुल ही सेफ मेडिसिन है, जिसका नाम है दोस्तों P6 कैप्सूल। ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर या फिर मेडिकल स्टोर में इजिली अवेलेबल हो जाता है और ऑनलाइन साइट पर भी ये देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी टैबलेट है और इसकी कीमत है दोस्तों 136 रुपये की आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा इसके रेटेड वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है। इसमें 24 कैप्सूल आपको देखने को मिल जाता है और P6 आपको कैप्सूल और क्रीम के रूप में भी अवेलेबल हो जाता है। P6 के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको रसौत, रेठा, नीम, बीज, तो त्रिफला, शुद्ध गुगलू, मोच रस, शंख भस्म, फिटकरी आदि इसमें कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। आप इसको बिना किसी नुकसान के उपयोग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आपको कोई भी इसका नुकसान देखने को नहीं मिलता है। P6 कैप्सूल दोस्तों 36 से 72 घंटों में गुदा से दर्द वगैरह, जलन वगैरह और खून का आना कम कर देता है। तुरंत बवासीर के मसलों को सुखा देता है और सूजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। नॉर्मली कंडीशन में दोस्तों 8 से 12 सप्ताह तक इसको लगातार सेवन कर सकते हैं और ऑपरेशन, सर्जरी जैसी किसी प्रॉब्लम से आप इस कैप्सूल का उपयोग करने से बच सकते हैं। इसको दोस्तों खूनी बवासीर या बादी बवासीर, सभी प्रकार की बवासीर में उपयोग कर सकते हैं और पुरानी से पुरानी बवासीर में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है दोस्तों P6 कैप्सूल, अगर आप इसको सही प्रकार से उपयोग करें तो। इसका सेवन विधि होता है 2 कैप्सूल सुबह को, 2 कैप्सूल दिन में, 2 कैप्सूल शाम को। खाना खाने से पहले ठंडे दूध या पानी के साथ आप इसको सेवन करेंगे 4 वीक तक, अगर आपको नॉर्मली है या फिर स्टार्टिंग कंडीशन है तो। पूरे आराम के लिए 8 से 12 वीक तक लगातार यूज़ करें और जड़ से ख़त्म करने के लिए 12 से 16 वीक तक कंटिन्यू यूज़ करें, अगर एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर स्टार्टिंग कंडीशन में है। जिनको 4 से 5 साल पुरानी बवासीर है वो 16 से 20 वीक तक लगातार यूज़ करें और 10 से 20 साल वाले बवासीर जिनको है वो 40 से 60 साल तक लगातार उपयोग इनका कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से उपयोग करेंगे तो आपकी बवासीर जो है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्रीम का जरूर यूज़ करना चाहिए। P6 कैप्सूल पर क्रीम का यूज़ करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्ट इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आप पेट साफ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे चूर्ण आते हैं मार्केट में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कायम चूर्ण हो गया, पेट सफा हो गया, आपका कब्ज इंड हो गया, वो चीज़ें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्रीम को लगाने का जो मेथड है इसमें P6 का, प्रभावित स्थान को पहले गर्म पानी से अच्छे से साफ धो लेना है, फिर कपड़े से साफ करना है या फिर कॉटन वगैरह से अच्छे से साफ करके थोड़ी देर तक सुखा लीजिएगा। जब वहाँ पर ड्राई हो जाए तो हाथों से, अपने हाथों से थोड़ा सा क्रीम लगाना है, लेकिन अगर अंदर की तरफ मसते हैं तो क्रीम में आपको नेज़ल मिल जाती है जिससे आप अंदर की तरफ लगा सकते हैं। दिन में 2 बार लगाना होता है और 8 से 12 वीक तक कंटिन्यू यूज़ करना है। वही कंडीशन है, अगर आपकी ज़्यादा पुरानी है तो ज़्यादा टाइम तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। P6 में इसको या फिर परहेज में कहे तो इसमें आपको पायल्स में क्या परहेज लेना चाहिए, गरम मसाले वगैरह, हरी लाल मिर्च, काली मिर्च, चावल, तली हुई चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, अदरक, लहसुन, अंडा, मांस, शराब या फिर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। ये समझ लीजिए कि गर्म चीज़ों का बिल्कुल ही सेवन ना करें जिससे आपका पेट सही से साफ नहीं हो, अगर ऐसा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें आपने खाना क्या क्या है पाइल्स में, छिलका युक्त दालें खानी है, दही हो गया आपका, सब्जी हो गया, हरी सब्जी हो गया, ताज़ा सब्जियां हो गई, मूली के पत्तों की भुजी खा सकते हैं, पपीता हो गया, अमरूद, परवल, दही, लस्सी, शरबत, रोटी,
पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। दिन में 2 से 4 लीटर आप पानी पी सकते हैं। जितना पानी आप ज़्यादा पियेंगे उतना आपका पेट भी अच्छा रहेगा और पेट साफ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बनेगा तो अगर आप जैसे मलत्याग करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह आ जाएगी, दर्द वगैरह, सूजन वगैरह ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए पेट साफ ज़रूर रखें अगर आपको पाइल्स अपना जल्दी से सही करना है। तो ये था कुछ पाइल्स P6 के बारे में कम्प्लीटली जानकारी, जो पाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और काफ़ी टाइम से ये टैबलेट चलती आ रही है, तो आप इसका एक बार ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें।